हरे राम हरे राम राम राम
ओंकार के पाठ को कहा जाता है, मैं भी तुमसे कहूँगा, एक घड़ी 24 घड़ी में निकाल ही लेनी चाहिए। जब तुम कुछ भी ना करो, खाली बैठ जाओ, ओंठ बंद कर लो, जीप को तालू से लग जाने दो, रीढ़ सीधी हो और तुम भीतर ओंकार का नाद करने लगो। ओंकार के नाद का भीतर करने का मतलब है तुम ओंठ से आवाज बाहर मत निकालो, अंदर ही गुंजाओ, लेकिन गुंजाओ इतने जोर से कि बाहर लोगों को सुनाई पड़े। ओंठ से ना निकले, सुनाई जरूर पड़े, तुम्हारे रोए रोए से निकले। तो
तुम एक गूंज बन जाओ। बड़ा मीठा अनुभव होता है, भीतर जैसे अमृत झरने लगता है थोड़े ही दिनों में। और ये अभी असली ओंकार नहीं, नकली ओंकार इतना कर देता है। तो असली की तो बात ही मत करो, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तुम सिर्फ आंख बंद करके रीढ़ सीधी करके, रीढ़ सीधी इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर सारा शून्य सीधा खड़ा हो जाए और तुम ओंकार को गुंजाने लगो। जब श्वास बाहर जाए तो तुम ओंकार की ध्वनि करो भीतर, ओम ओम। जब श्वास भीतर जाएगी तब तो ध्वनि ना कर पाओगे, तो एक रिदम, एक लय पैदा हो जाएगी। श्वास बाहर जाएगी तुम श्वास को ओंकार की ध्वनि से भर दो, फिर श्वास भीतर जाएगी शून्य रहेगा, फिर श्वास बाहर जाएगी फिर ओंकार की ध्वनि। करो इतने जोर से कि बाहर कोई गुजरता हो तो सुनाई पड़े, जैसे मधुमक्खियों का जत्था जा रहा हो तो एक गूंज मालूम पड़ती, ऐसी गूंज बाहर मालूम पड़ेगी और वो गूंज तुम्हारे शरीर को भी स्वस्थ करेगी, तुम्हारे बिखरे मन को बांधेगी और तुम्हारे भीतर एक अपूर्व शांति का जन्म होगा और एक मस्ती छा जाएगी। ध्वनि की अपनी सुरा है, इसलिए तो संगीत सुनते सुनते तुम्हारा सिर हिलने लगता है जैसे शराबी का हिल रहा हो। अगर तुमने अपने भीतर ओंकार के नाद को गुंजाया, और ध्यान रखना कि ये तुम्हारा नाद है, अभी तुम्हें असली नाद का पता ही नहीं, तो भी तुम्हारे भीतर एक मस्ती पैदा होगी। तुम एक मद मस्ती में जीने लगोगे, तुम चलोगे और ढंग से, स्फूर्ति और होगी, उठोगे और ढंग से, आंखों में एक नशा छाया रहेगा, जैसे जिंदगी में एक पहली दफा उत्सव की घड़ी आई है। अगर तुम इस तरह ओंकार की ध्वनि करते रहो करते रहो करते रहो, किसी दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम्हारी ध्वनि तो जारी है ही, एक और ध्वनि तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है। ये उसी दिन पैदा होती है जिस दिन तुम्हारी वीणा पूरी कस जाती और तैयार होती, साज राजी होता है। उस दिन तुम पाओगे एक ध्वनि तो तुम कर रहे हो जो अब कुछ भी नहीं, एक फीका स्वर है, कार्बन कॉपी है, असली ध्वनि पैदा हो रही है। तब तुम अपनी ध्वनि को बंद कर देना, तब तुम सुनने वाले बन जाना। अब तक तुम करता थे, अब तुम सुनने वाले बन जाना। अब तुम आंखें गड़ा लेना भीतर, अब तुम प्राणों को थाम लेना, क्योंकि भीतर जो घट रहा है वो अपूर्व है, वो अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं। भीतर अमरस की धार बहने लगेगी, रोआ रोआ किसी अपूर्व प्रकाश से भर जाएगा। अंधकार गया, दुर्दिन गए, महासुख बरसेगा, मिलन का क्षण करीब आ गया। ओंकार तुम शुरू करो, मगर तुम खींचे मत जाना और प्रतीक्षा करना उस दिन की जिस दिन भीतर का ओंकार फूटने लगे। उस दिन तुम जिद मत करना अपने ओंकार को थोपने की, उस दिन तुम बिल्कुल चुप हो जाना। तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ आयोजन था ताकि रास्ता बन जाए उस ओंकार के बहने के लिए, ताकि तुम्हारे यंत्र में मार्ग बन जाए उस ओंकार को झेलने के लिए। तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ पूर्व तैयारी थी, रिहर्सल था। असली नाटक तो तब शुरू होता है जब तुम्हारा ओंकार तो गया और उसका ओंकार शुरू हुआ, एक ओंकार सतनाम।